केम छो दोस्तों, मजा मा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। हम जूम कार लेकर निकले हैं गुजरात राज्य के सफर पर। सबसे पहले चलेंगे सूरत और फिर सूरत में हम बहुत सारा ट्रैवलिंग करेंगे और बहुत सारी जगह देखेंगे, तो फिर चलिए। जेंट कैसी लगी कार? अरे बहुत बढ़िया, यानी इन शॉर्ट जयंत को गाड़ी अच्छी लगी। दोस्तों, अगर आप मुंबई से ट्रैवल करते हो तो थोड़ा जल्दी निकलिए, क्योंकि ट्रैफिक जितने सुबह आप निकलते हो उतनी ही कम ट्रैफिक लगेगी। वहाँ 10 मिनट बाहर खड़े थे, पूरा पसीने से भीग गए। ये है मुंबई मेरी जान। अभी कार में एसी में आया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो पूरी हालत हो गई। वैसे जो मुंबई का नहीं होता है उसकी बुरी हालत होती है, लेकिन थैंक्स टू जूम कार कि उनका एसी इतना कारगर है कि 2 मिनट में उसने हमको ठंडा कर दिया। सही बात है। अगर आपको जूम कार्स पर डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें, कूपन कोड वहीं पर दिया गया है। तो अभी आप जो देख रहे हैं उसे कहते हैं नेहरू जिमखाना, यानी वानखेड़े स्टेडियम के बाद में अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में है तो वो ये है। हम खारगर मुंबई से निकले थे तो वहां से सूरत 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरत जाने के लिए लगभग आपको 5 घंटे लगते हैं। न्यू जलाराम काठियावाड़ी। मैंने इससे पहले कभी काठियावाड़ी भोजन नहीं किया था, मेरा ये पहला अनुभव होगा। मुंबई से सूरत के रास्ते पे ऐसे काठियावाड़ी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जैन पहले गुजरात में रह चुके हैं तो उनको अच्छा खासा अनुभव है। होटल के बाहर जो खटिया थी उसे देख के जैन उस पर आड़े हो गए। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर ही था। बहुत ही गर्मी है। गाड़ी की ठंडक और ये दिल झुलसा देने वाली गर्मी, बदन झुलस रहा है, लू चल रही है, लेकिन हम काठियावाड़ी भोजन जरूर करेंगे। अब देखते हैं भाई साहब, बाहर बहुत गर्मी है और यहाँ पे भी गर्मी है, तो अंदर में एसी में रेट सेम ही रहेगा या फिर? तो सेम चार्ज है। सेम चार्ज रहेगा। चलो हम ये गर्मी में क्यों झुलसे, चलो अंदर में बैठते हैं। अंदर बैठो। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। काठियावाड़ी भोजन में छाछ का बहुत महत्व होता है। खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद दोनों टाइम छाछ पिया जाता है। ये और एक महत्वपूर्ण चीज़ है आचार। अलग अलग तरह के आचार आपको मिल जाएंगे। क्या क्या मिला तुम्हें? क्या क्या मिला इसमें? ये असल गुजराती व्यंजन है, काठियावाड़ी व्यंजन। ये सेव भाजी है, ये कढ़ी है, दाल, खिचड़ी और ये दो अलग अलग सब्जी। ये सब्जी कौन सी है वो देखना पड़ेगा मुझे। मिठाई, ये स्वीट है, ये तो बीन्स है। खाना बहुत ही अच्छा था, हम दोनों को बहुत ही पसंद आया। बहुत मज़ा आया, खाना बहुत ही बढ़िया था, असल काठियावाड़ी। अब जूम से निकलते हैं वापी, नेक्स्ट स्टॉप वापी।
हमने रूट का रफ प्लानिंग किया था, तो हम वापिस नहीं रुके। हमने डिसाइड किया कि चलो भाई सूरत जाके थोड़ा आराम करते हैं। सफ़र का मज़ा सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं होता है, सफ़र में आप अलग अलग अनुभव ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग तरबूज और पपीता बेच रहे थे, तो हमने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। और यहाँ पे जो तरबूजा था वो ठंडा किया गया था, इसलिए और भी मज़ा आ गया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ही सफ़र का असली मज़ा होता है। तो आप भी घर से बाहर निकलिए पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से सफ़र का मज़ा उठाइए। पीछे वाला आदमी देखो जयंत को कैसे घूर रहा है। ऐसे ही रुकते रुकाते हम जूम कार को लेके शाम तक सूरत पहुँच ही गए। सूरत में पुणे मुंबई इतना ट्रैफिक नहीं है, रास्ते बहुत खाली थे, शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन रास्ते बहुत ही खाली मिले हमको। हमें मार्गदर्शन कर रही थी गूगल आंटी और उनके भरोसे हम होटल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अभी आप खुद देख लीजिए आपको कैसा लगता है सूरत। एक समय में भारत की सबसे गंदी सिटी के नाम से बदनाम हुई सूरत सिटी आज एकदम क्लीन है और सबसे क्लीन सिटी का खिताब भी पाया था। आज के दौर में चेन्नई और दिल्ली में भी फ्लाईओवर्स है, लेकिन एक समय था कि सूरत में सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर्स थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे सिग्नल की जगह राउंड अबाउट से, इससे ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ चलता है। और ये आ गए हमारे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने होटल बुक किया था। ले आई ना अपनी जूम कार सही सलामत अपने सूरत डेस्टिनेशन पर, हैसल फ्री, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलो अभी हम चेक इन करते हैं और बाद में शाम को सूरत का नज़ारा लेते हैं। दोस्तों हमने चेकिंग तो कर ली है, तो मैं होता हूँ ऐसे पीछे हुए। आपको लग रहा होगा मैं कैमरा के आगे, लेकिन अरविंद चौहान कैमरा के पीछे। ये आईने ने सब राज खोल दिया है। ये ला विक्टोरिया कॉम्प्लेक्स एलईडी लाइट्स के रोशनी में झगमगा रहा है। इसी बिल्डिंग में चौथे माले पे ओयो होटल्स है। शाम हो चुकी है, अभी सोचा नहीं है कहाँ पे जाएंगे, लेकिन चलो रिवर फ्रंट पे अच्छा माहौल रहेगा। चलिए फिर तो रिवर फ्रंट पे हम ये सोच के गए थे कि वो हैपनिंग प्लेस होगा और अहमदाबाद के रिवर फ्रंट जैसे कुछ तो होगा, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा एंट्री फी भी गया और हमको पार्किंग के पैसे भी अलग से देने पड़े। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए खेलने के लिए राइड्स है, तो हम आपको ये प्लेस रिकमेंड नहीं करेंगे। चलो अब हम चलते सूरत सिटी में। तो हमने सूरत सिटी में क्या देखा ये आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पे दबाना पड़ेगा, तभी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो मिस करेंगे। तो प्लीज़ बेल आइकॉन पे दबाइएगा।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।